है, कितना खूबसूरत लग रहा है। गुड मॉर्निंग गाइज, तो आज हम निकलने वाले हैं दिल्ली के लिए। मैंने सुबह सुबह का अलार्म इसलिए लगा दिया था क्योंकि दिल्ली में काफ़ी गर्मी है और मैं लेट निकलूँगा तो काफ़ी गर्मी का सामना करना पड़ेगा, धूप लगेगी, ढेर सारी गर्मी होगी, इसीलिए मैंने सुबह सुबह का अलार्म लगा दिया था। और अब मैं उठ चुका हूँ, अब चलते हैं, अपने सामान बाइक पर बांधते हैं और जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकलते हैं। और ये सारा सामान मैंने बांध दिया, अब ये देखो हो गया ना ढेर सारा सामान। और इससे भी अभी शुरू होना था, बस 5 मिनट और रुक जाती तो मैं निकल लेता। बारिश शुरू हो गई यार, देखो सामान वामान सब बांध के रेडी था। अब बैठ के इंतज़ार करते हैं कब तक रुकेगी, उसके बाद ही निकलना होगा। जय बजरंगबली, रक्षा करना। तो शुरू हो चुकी है हमारी राइड और बारिश ने ऐन मौके पे आ गए, थोड़ा सा मुझे लेट कर दिया आधा घंटा। और बस ये है कि आगे बारिश ना मिले यार, अगर रास्ते में बारिश मिलेगी तो फिर तो आगे बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या होगी, बस रुकना पड़ेगा, लेट होना पड़ेगा इसकी। तो कल से काफ़ी बादल आ गए थे, मौसम काफ़ी ठंडा हो रखा था और बारिश कब हुई जब मैं निकलने वाला था, निकलने वाला था कि बारिश शुरू हो गई। कोई नहीं, इससे मौसम और भी ठंडा हो गया और मज़ा आ रहा है। अलग अलग वेदर में, अलग अलग टेरेन में राइड करने का अलग ही मज़ा है। तो राइड अपनी लगभग 270 किलोमीटर की होने वाली है और अभी बज रहे हैं 6:20। तो यहाँ से अभी चलेंगे हरिद्वार। हरिद्वार में मनीष भैया से मिला जाएगा, फिर उसके बाद कुछ ब्रेकफास्ट भी वहाँ किया जाएगा, उसके बाद आगे निकलेंगे। परेशान करेगी ये बारिश, देखो 1 किलोमीटर भी नहीं चला शुरू हो गई, फिर यार ऐसे ऐसे दिक्कत होने वाली है। तो हरिद्वार आ गए हैं और बारिश ने तो खूब परेशान किया यार, बीच में उतर के मैंने अपना गोप्रो निकाल के अंदर डाल लिया, कौन उसको ख़राब करने जाए। तो मैंने सोचा कि चलो हरिद्वार पहुँचेंगे, उसके बाद ही फिर गोप्रो लगाएंगे, आपको आगे का दिखाएंगे। तो यहाँ पर मिलना है मनीष भैया से, बस मुलाकात करना है, हाय हेलो होगी, उसके बाद फिर निकलेंगे दिल्ली की तरफ। और ये देखो हमारी गड्डी, मनीष भैया आ चुके हैं और हमारी बात मुलाकात सब हो गई, अब इनको यहाँ से बाय बाय बोलते हैं। और प्रेमनगर आश्रम से मैं, जो कि बहुत ही अच्छी जगह है, वहाँ से विपिन को टाटा बाय बाय करते हुए बाइक बाजो। तो अभी हम प्रेमनगर आश्रम में हैं हरिद्वार में, ये देख सकते हैं आप, ये सारा काफ़ी सुंदर और हरिद्वार का या कह सकते हैं उत्तराखंड का सबसे बड़ा आश्रम है और यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा टॉयलेट भी है, कई मंजिले कई फ्लोर के टॉयलेट है, आप आओगे तो देखना जरूर। ओके बाय बाय। ओके तो आप चलते हैं राइट पे और मनीष भैया और ये हमारे सिद्धयाल मामा को बाय बाय टाटा बोलते हैं। चलिए भैया। ओके गाय, जय बजरंग।
तो निकल चुके हैं और आप हरिद्वार आएंगे तो प्रेमनगर आश्रम जरूर आइएगा, काफी सुंदर है, अच्छा है। और यहाँ से जल्द निकलना पड़ेगा क्योंकि काफी घने बादल आ गए हैं और बारिश होने की पूरी संभावना भी है और होगी भी ये, क्योंकि पीछे तो होते आ रही थी ना, तो यहाँ पे भी होगी। तो जैसे बादल जब तक यहाँ पहुँचे तब तक अपन यहाँ से निकल लेते हैं। क्या बोलता, क्या बोलती तू? तो यहाँ पे मैंने ले लिया लगभग 40-45 मिनट का ब्रेक और बादल यहाँ पे भी आ गए, बारिश यहाँ भी शुरू हो गई। हट जा रे हट जा, रखवाले हट जा, क्योंकि जाना है मुझे जाना है, हर वादा जो किया है वो निभाना है। जी हाँ दोस्तों, मैंने वादा किया है अपने दूल्हे राजा से, मेरा भाई जिसकी शादी होने वाली है, कि आज मैं दिल्ली पहुंच रहा हूँ, तो भाई निभाना तो पड़ेगा ही। अरे बिजली गिर रही है, बिजली। तो आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं इंस्टाग्राम पे अपने सारे अपडेट्स देता रहूँगा, अपनी सारी स्टोरी अपलोड करते रहूँगा। तो आप, लो बारिश भी शुरू हो गई यार। चलो तो आप विपिन अंडर स्कोर चंद्रा CHANDRAA इस पे सर्च कर लो और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। मैं सारी अपडेट्स और सारे स्टोरी उस पे डालता रहूँगा यार। ये वाला पोर्शन अगर मैं क्रॉस कर जाऊँ ना, ये ऊपर जो बादल दिख रहा है ये देखो, तो फिर बारिश आगे नहीं मिलेगी। आगे तो ठीक ठाक देख रहा है सब। चलो यार, ये बारिश कब तक परेशान करेगी। तो मैंने केवल 200 रुपये का तेल लिया क्योंकि यहाँ पे कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। यार अब तक किस जमाने में जी रहे हो, अपग्रेड करो यार। कार्ड से पैसे नहीं लोगे तो कितना आदमी कैश लेकर डूब घूमेगा। एक बात और आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप सोलो राइड कर रहे हो तो उस कंडीशन में आप अपनी लाइव लोकेशन अपने जाने वाले घर परिवार फैमिली दोस्त, मतलब किसी ऐसे पर्सन से आप शेयर कर दीजिए जो कि मतलब आपकी लोकेशन देखता रहे। क्योंकि भाई सोलो राइड है, आप अकेले हो, ऊपर से इंडिया का रास्ता है, तो मतलब सेफ्टी रहती है एक। कितने गन्ने लगे हुए हैं, ये है चीनी मिल, इस वजह से यहाँ पे इतने गन्ने ट्रैक्टर पर लदे हुए खड़े हैं। और इस साइड भी देखो, उस साइड भी और इस साइड भी। तो मक्खन वाले रोड शुरू हो गए हैं और अभी हम आ चुके हैं यूपी में। भाई अपने स्टेट में आके इतना अच्छा लगता है, जैसे लगता है कि घर पहुंचे हैं, घर वाली फीलिंग आने लगती है। दूर तो वैसे भी है घर से, जितना देहरादून उतना यहाँ, उतना ही दिल्ली, लेकिन अपने स्टेट की बात ही कुछ और है कि नहीं। तो सुबह जब से निकले हैं तब से कुछ अभी तक खाया नहीं है और भूख भी काफी लग रही है यार। तो कहीं अच्छी जगह देख के रुकते हैं, कुछ खाते हैं और फिर आगे चलते हैं।
भाई धूप भी अच्छी खिल गई है, सुबह से लेके अब जाके 9:30-10 के आसपास अब जाके धूप के दर्शन हुए हैं। चलो हमारे लिए तो वही मौसम सही था, क्यों अच्छा सुहाना मौसम, पहुंच जाते दिल्ली। अब धूप है आगे तो धूप ही धूप, गर्मी गर्मी मिलने वाली है। ये देखो कितना बेहतरीन लग रहा है और पत्ते यूं झड़ रहे हैं, ऐसे पत्तों की बारिश हो रही है। नेचर तो जहां भी होती है, कहीं भी चले जाओ, वाह 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 मैन कितना खूबसूरत लग रहा है। नेचर नेचर इज माइंड ब्लोइंग मैन। मैगडी बाबा कैसे हो? तो अभी हमें मुजफ्फरपुर के आसपास और रुके हुए हैं मैगडी में, और लगभग हमने 160 किलोमीटर की डिस्टेंस तय कर ली है और 100 किलोमीटर और है दिल्ली आगे। देखते हैं कितना समय लगता है। 10 बज चुके हैं अभी और सुबह से मैंने कुछ खाया नहीं था, इसीलिए मैं मैगडी में आया हुआ हूँ। और चलो दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या ऑर्डर किया। तो हो गई है पेट पूजा, अब निकलते हैं दिल्ली के लिए। 10:30 बज चुके हैं तो आई थिंक वी आर गेटिंग लेट, तो चलो निकलते हैं। हेलो बाइक बाजो। तो सीन कुछ इस तरह से है कि हम दिल्ली पहुंचने वाले हैं, बोले तो दिल्ली अब दूर नहीं है। तो हम मोदी नगर और मुराद नगर क्रॉस कर चुके हैं, इंटर करने वाले हैं नोएडा में। और गर्मी काफ़ी बढ़ गई है, टेम्परेचर काफ़ी बढ़ गया है। और सीन कुछ इस तरह है कि आगे जो देख रहे हो ना KTM राइडर्स, दो KTM RC चल रही हैं, इन्होंने पूरा सीन बना रखा है। राइडर्स यार कूल ही लगते हैं, कूल कूल। ओ माय गॉड, पागल करने वाली गर्मी और पागल कर देने वाली ट्रैफिक। आज तो संडे है यार, आज इतनी ट्रैफिक क्यों है? तो ये है हमारा छाता, है ना? धूप नहीं लग रही है छाते के नीचे। तो गाइस अभी गाजियाबाद में इंटर कर चुके हैं, यहाँ से 38 किलोमीटर है छतरपुर जहाँ मुझे जाना है। अभी भी 1:06 दिखा रहा है। गूगल बाबा की जय हो, गूगल बाबा की जय हो। अरे जल्दी ऑन हो सिग्नल भाई, जल्दी ग्रीन हो जा, नहीं तो बिपिन फ्राई बन जाएगा यहाँ पे। आहा, क्या हरी भरी दिल्ली है,
ये व्यू देखो कितना बेहतरीन है ना। हाँ तो फाइनली पहुंच गए भाई, अब चलते हैं कपड़े वपड़े निकालते हैं, बहुत गर्मी हो रही है। तो बाइक बाजो तो पहुंच चुके हैं हम दिल्ली छतरपुर में अपने भैया के पास, संतोष भैया के पास। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। दिल्ली में काफ़ी गर्मी है, देहरादून के कंपेयर में यहाँ का टेम्परेचर मुझे लगता है कि 10 से 15 डिग्री ज़्यादा होगा। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।